नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं अभी अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पटना जिले का काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना आदेश विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 593 दिनांक 23/6/2021 610 दिनांक 29/6/2021 755 दिनांक 28/7/2021 एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापन 762 दिनांक 29/7/2021 के द्वारा शिक्षक नियोजन 2019-20 अंतर्गत दिनांक 4/8/2021 दिनांक 5/8/2021 दिनांक 9/8/2021 एवं दिनांक 10/8/2021 को नगर प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के आयोजित होने वाले काउंसलिंग स्तर निम्नलिखित निर्धारित किया जाता है, यानी कि 4 से लेकर 10 तारीख तक। 13 का अपडेट अभी तक नहीं दिया है, 13 का अपडेट बाद में आएगा। फिलहाल 4, 5, 9, 10, 7 का अपडेट इसमें अभी तक नहीं शो किया है। हो सके 7 का काउंसलिंग ना हो, 7 का भी अपडेट नहीं दिया। जब 4, 5, 9, 10 तीन का अपडेट दिया, तो चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ का क्या अपडेट आ रहा है। आप देख सकते हैं कि दिनांक 4/8/2021 को नौबतपुर नगर पंचायत का काउंसलिंग होगा 6-8 के लिए। भाषा एवं गणित विज्ञान नगर निकाय नियोजन इकाई इनका होगा। राजकीय बालक उच्च विद्यालय 10+2 विद्यालय शास्त्री नगर पटना 23 में काउंसलिंग होगा। फिर आ जाइए दिनांक 5 तारीख का जो काउंसलिंग होगा वर्ग 1-5 के लिए समान एवं उर्दू के लिए नगर निकाय नियोजन इकाई नगर निगम पटना का, इसका होगा शाहिद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग पटना 2 में काउंसलिंग होगा। फिर मोकामा नगर परिषद का रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय विद्यालय कंकड़बाग पटना 20 में होगा। और 5/10/2021 को फतुहा नगर पंचायत का राजकीय बालक मध्य विद्यालय 10+2 विद्यालय शास्त्री नगर पटना 23 में और नौबतपुर नगर पंचायत का, ये जो आप देख रहे हैं ये 1-5 का दिखा रहा है, यहाँ 6-8 का, बस एक नौबत नगर पंचायत का एक ही का होगा काउंसलिंग, जो कि आप नौबतपुर का होगा। अब बाकी 1-5 का जो होगा पटना नगर निगम, मोकामा नगर निगम और फतुहा नगर पंचायत, नौबतपुर नगर पंचायत का, इतना का 5 तारीख होगा। यहाँ डेट दिया हुआ जो कि आप देख सकते हैं। फिर आ जाइए 9 को, तो 6-8 भाषा एवं गणित विज्ञान प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई नौबतपुर का पुनपुन का 9 तारीख को होगा 6-8 का। राजकीय बालक उच्च माध्यमिक 10+2 विद्यालय शास्त्री नगर 23 में और यहाँ पे 10 तारीख को आप देख सकते हैं 1-5 का समान एवं उर्दू के लिए प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई विक्रम और पुनपुन का राजकीय बालक उच्च माध्यमिक 10+2 विद्यालय शास्त्री नगर पटना 23 में होगा। आप देख सकते हैं अमित कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जारी किया गया है वो 10 का। और यहाँ पे कुछ है कि कुछ संबंधित प्राचार्य को सूचना प्रेषित कुछ सूचना नोटिस जारी किया गया, जो देख लेते हैं। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सदस्य सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य प्रेषित, संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य प्रेषित, प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञापन केंद्र NIC पटना को सूचना, यानी कि सबको सूचना दिया गया उनका ये है। आगे देखते हैं, इधर यहाँ एक चीज और अच्छा दिया गया है, शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत द्वितीय चक्र में सम्मिलित होने वाले नियोजन इकाइयों का विवरण है, जो सेकंड राउंड में जिनका काउंसलिंग होने वाला उनका डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, पहला नौबतपुर नगर पंचायत का है 4/8/2021 को, रिक्ति नहीं दिया है, रिक्ति यहाँ पे 2 है, कुल अभ्यर्थी मात्र 18 है, सीट 2 अभ्यर्थी 18, यहाँ पे होगा राजकीय बालक उच्च माध्यमिक 10+2 विद्यालय शास्त्री नगर पटना 23 में होगा। फिर पटना नगर निगम पटना 5/8/2021 को रिक्ति 135 है, दोस्तों देख लीजिए रिक्ति 135 है और जो कैंडिडेट हैं 8,359 कैंडिडेट हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए उर्दू में रिक्ति 37 है और अभ्यर्थी 1 भी नहीं है, यानी कि सीट 37 पूरा खाली चला जाएगा, उसके बाद ब्लैंक ही ब्लैंक है। अंग्रेजी में यहाँ 2 सीट है, 18 कैंडिडेट हैं। फिर इनका काउंसलिंग शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना हाई स्कूल में कराया जाएगा। मोकामा नगर परिषद की बात करें तो 5/8/2021 को 16 रिक्ति है, 1,843 कैंडिडेट ने फॉर्म डाला, उर्दू में 9 है और कैंडिडेट 1 भी नहीं, 0। श्री रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कंकड़बाग में होगा। फतुहा नगर पंचायत का आपका 6 सीट जनरल का है और 1,277 कैंडिडेट हैं, उर्दू में 4 है, कैंडिडेट 1 भी नहीं है, राजकीय बालक उच्च विद्यालय में होगा। नौबतपुर नगर पंचायत की बात करें वहीं
तो 8 सीट जनरल का है और कैंडिडेट की संख्या 1567 है। उर्दू में 5 है पर एक भी फॉर्म नहीं आया है, तो ये सीट यहाँ से खाली जाएगा। इनका भी काउंसलिंग यहाँ राजकीय बालक उच्च माध्यमिक 10+2 विद्यालय शास्त्री नगर में कराया जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए नौबतपुर प्रखंड में, आप देख सकते हैं अपुरपुन प्रखंड में, दोनों का 9/8/2021 को होगा। पर यहाँ जो सीट आप देख रहे हैं हिंदी में 4 सीट है, कैंडिडेट की संख्या 21 है और संस्कृत में 16 है, कैंडिडेट की संख्या 271 है। यहाँ पे उर्दू की 5 है पर कैंडिडेट एक भी नहीं है। यहाँ होगा राजकीय बालक उच्च विद्यालय 10+2 विद्यालय शास्त्री नगर में। पुनपुन की बात करते हैं 9 तारीख को होगा, हिंदी का सीट 8 है, कैंडिडेट की संख्या 233 है, संस्कृत का 4 है और कैंडिडेट की संख्या 117 है, उर्दू में एक भी सीट नहीं है। काउंसलिंग आपका यहाँ कराया जाएगा राजकीय बालक उच्च माध्यमिक 10+2 विद्यालय शास्त्री नगर में। और इधर विक्रम प्रखंड की बात करें तो 10/8/2021 को होगा, जो कि जनरल का 1-5 का 11 सीट है, कैंडिडेट की संख्या 1975 है, उर्दू में 10 सीट है, कैंडिडेट की संख्या 136 है, जो कि आप देख सकते हैं। इसका काउंसलिंग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 विद्यालय शास्त्री नगर पटना 23 में होगा। पुनपुन प्रखंड की बात कर लेते हैं तो पुनपुन में 23, जनरल का 23 सीट है, कुल अभ्यर्थी 2100, देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी की संख्या 2135 है। जनरल का 1-5 की बात कर लेते हैं, वहीं उर्दू में 7 सीट है लेकिन कैंडिडेट की संख्या 120 है। पर यहाँ ब्लैंक इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ 6-8 का नहीं, इधर वाला कॉलम 1-5 का था, इधर वाला कॉलम 6-8 का था। इनका काउंसलिंग राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 विद्यालय शास्त्री नगर पटना 23 में होगा। कुल जो आप देख सकते हैं अगर जनरल की बात करें पटना में ओवरऑल तो 189 सीट है 1-5 का। स्टूडेंट की संख्या जनरल की बात कर लेते हैं 1-5 में और जनरल सब्जेक्ट में तो 17,156 कैंडिडेट हैं, मात्र 190 के आसपास है, 189 है और कैंडिडेट की संख्या 17,156 है। सोच लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं 72 सीट 1-5 जनरल का है, सॉरी उर्दू का है, और कैंडिडेट की संख्या टोटल 256 है, टोटल 72 सीट, कैंडिडेट 256। यहाँ अंग्रेजी का 2 सीट है और कैंडिडेट की संख्या 18 है, जो कि आप देख सकते हैं। हिंदी की बात कर लेते हैं 6-8 का 12 सीट है लेकिन कैंडिडेट की संख्या 254 है। संस्कृत की बात कर लेते हैं 6-8 का तो 20 सीट है और टोटल कैंडिडेट की संख्या 388 है, आप देख सकते हैं। और उर्दू की 5 सीट है पर कैंडिडेट की संख्या एक भी नहीं है। तो ये सारा अपडेट सारा डेटा पटना से जारी कर दिया, पंचायत का अलग से जारी होगा। अमित कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना 2/8/2021 को, यानी कि आज के डेट में, और अभी अभी जस्ट इसे अपलोड किया गया है, जो कि आप NIC के पोर्टल पर जाइएगा तो वहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो ये पटना का अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, और भी किसी ज़िले का अगर आपको अपडेट चाहिए या पटना का नहीं मिल रहा तो आप हमें बोलिएगा, हम आपको अवेलेबल जरूर करा देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।